नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरण और लोनावला की ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबई युवक कांग्रेस के माध्यम से निवडणूक प्रचार पूर्ण नियोजन बैठक चलो घर घर अभियान का आयोजन नवी मुंबई स्पोर्ट एसोसिएशन में रखा गया, जिसमें युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनावी मार्गदर्शन देते हुए पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत व नवी मुंबई युवक कांग्रेस अध्यक्ष निशान भगत ने मार्गदर्शन दिया और संबोधित करते हुए बताया कि अब की बार किस तरह से प्रचार प्रसारण किया जाएगा और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इसी विषय की अधिक जानकारी पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत ने दी है। उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी सरकार आएगी तो गरीबों के खाते में 72,000 रुपए सालाना जाएंगे। आज यहाँ ठिकाणी जो का मेलावा नहीं है, हा एक कार्यकर्त्यांची बैठक है। प्रमुख कार्यकर्ते, प्रमुख पदाधिकारी आणि आम्ही जो काही विविध क्षेत्रात काम करतोय, मग कामगार क्षेत्र असेल, म्हातारी क्षेत्र असेल, रिक्षा टॅक्सी युनियन असेल किंवा अन्य क्षेत्रामध्ये आम्ही काम करत, त्या ते देखील जे प्रमुख लोक आहेत, म्हणजे काँग्रेसचे प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि आमच्या सामाजिक क्षेत्रातील प्रमुख मंडळी या ठिकाणी मीटिंग बोलवलेली आहे आणि ह्या मीटिंगमध्ये निवडणूक प्रचार, ह्या लोकसभेचा जो निवडणूक प्रचार राहुलजी गांधी हे उभे आहेत, आनंद परांजपे हे उमेदवार आहेत, अर्थात राहुलजी गांधी या ठिकाणी कॅन्डिडेट उमेदवार आहेत, राहुलजींना पंतप्रधान करणं आहे आणि ह्यासाठी ही जी मीटिंग आम्ही नियोजनासाठी जी प्रचार यंत्रणा, प्रचाराचे नियोजन, मग वार्ड लेवल, मतदान केंद्र, बूथ आणि घरघर हे कशा पद्धतीने नियोजन करायचे त्याच्यासाठी मीटिंग घेतलेली आम्ही आहे। ह्या ठिकाणी आम्हाला आम्ही नाराज नाही, दुःख आम्हाला आहे। नाराजीपेक्षा दुःख ह्या गोष्टीचं आहे की आमची काही मंडळी NCP कडे आम सभे सार्वजनिक ठिकाणी जी काय मागणी कर निवडणुका लोकसभेच्या मागणी महानगरपालिकेची पंतप्रधान राहुलजींना करायचं आहे, यांना नगर शिकवायचं आहे, आम्ही NCP कडे का मागायचं, निवडणुका लोकसभेची आहे, आम्ही अतिशय ताकदीने आणि बलाने आम्ही त्या ठिकाणी काम करू, आम्ही आमची शक्ती दाखवू। काँग्रेस पक्ष मजबूत आहे, काँग्रेसचा कार्यकर्ता मजबूत आहे, ह्या ठिकाणी नागरिकांची सेवा काँग्रेस पक्षच करू शकतो, ज्या विविध योजना आहेत ते काँग्रेस पक्षच राबवू शकतो, मग आम्ही आमची सक्षमता दाखवू ना, आणि आम्हाला जे काय हवं असेल ते आम्ही जनतेकडून जनता आम्हाला दे, मग लीडरशिप असेल किंवा अन्य काय असेल आम्हाला काँग्रेस पक्ष देतील, राहुलजी गांधी देतील, असो की चव्हाण साहेब देतील आम्हाला, आम्ही NCP कडे का मागायचं। आमच्या लोकांनी त्या ठिकाणी सार्वजनिक स्तरावर ज्या गोष्टी एका रूममध्ये व्हायला पाहिजे, ज्या काही राजकीय चर्चा ह्या रूममध्ये व्हायला पाहिजे। ह्या ठिकाणी आमच्या लोकांनी स्पष्टपणाने मेसेज दिलेला आहे की जे काही काँग्रेसला भेटेल ते NCP कडे भेटेल, मग NCP कडे भेटत असेल तर तुम्ही NCP कडे जावा असा मेसेज दिलेला आहे। तो मेसेज आम्ही आजच्या कार्यकर्त्यांना देतोय का जे काय आहे ते काँग्रेस पक्षामध्ये आहे, आम्ही बलवान आणि आम्ही शक्तिवान, काँग्रेस पक्ष मजबूत आहे, जनहिताची कामं करणे काँग्रेसचंच काम आहे आणि काँग्रेसच करणार। या ठिकाणी आम्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना बळ देतोय आणि ह्या ठिकाणी कुठेही कोणाकडे मागण्याची गरज नाही, कुठे झोली हात पसरण्याची गरज नाही, झोली पुढे करण्याची गरज नाही, आम्ही भरीव आहोत, पोकल नाही आहोत। तर ह्या ठिकाणी आम्हाला ज्या आघाडीची सभा आत्तापर्यंत झालेली नाही, जी कॉमन सभा आघाडीची असली पाहिजे, NCPचा कॅन्डिडेट आहे, उमेदवार हा NCPचा आहे, NCPने अधिकृत जॉईंट असा मेळावा त्यांनी आतापर्यंत घेतलेला नाही आणि NCPच्या नेत्याने आमच्या नेत्यांना भाषणामध्ये अडवून सांगितलं की ही जे सार्वजनिक स्टेज आहे आणि या सार्वजनिक स्टेजवर तुम्ही वारंवार ह्या निवडणुकीचा खेळ खंडोबा तुम्ही करत आहात, हे तुम्ही करू नका, हे त्या ठिकाणी सांगत आहेत, त्या ठिकाणी आणि सांगितलं आहे आणि म्हणून ह्या ठिकाणी आम्हाला आमच्या लोकांविषयी आम्हाला दुःख आणि लाजीरवाणी लाज वाटतं आम्हाला या ठिकाणी। ह्या ठिकाणी प्रचार चालू आहेत आणि राष्ट्रवादीच्या माध्यम राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस म्हणजे खरी काँग्रेस आम्हीच आहोत हो या ठिकाणी, बाकीचे काय हो हे तुम्हाला सर्व जनतेला माहिती आहे, पत्रकारां सर्वांना माहिती आहे आणि म्हणून ह्या ठिकाणी आम्ही जॉईंटली आम्ही काम करणार आहोत।
आणि अतिशय शक्तीने काम आमचं चालू आहे, प्रचार चालू आहे आमचं. त्याच्यामुळे आमच्या यामध्ये उम्मेदवाराला या ठिकाणी आम्ही 100% निवडून आणू. इसी विषय को लेकर नवी मुंबई युवक कांग्रेस अध्यक्ष निशान भगत ने भी अपनी राय नवी मुंबई आवाज साथ व्यक्त किया है. यहाँ पे एक ही निश्चय किया है, आवर एम राहुल गांधी पीएम, ये शीर्षक लेके हर घर घर में जाके लोगों को कन्विंस करना. और कांग्रेस ने जो आश्वासन दिए है वो आश्वासन की जानकारी उनके घर तक पहुंचाना, और वो कांग्रेस को वोट कैसे करेंगे इनके लिए उनके घर में जाके चलो घर घर अभियान हम लोग चलाने वाले हैं. पिछले महीने में हम लोग ने चलो वार्ड अभियान बनाया था, हर एक चौक में हर एक वार्ड में हम लोग ने चलो वार्ड अभियान बना कर ये करके ऑर्गेनाइज करके हर वार्ड में बीजेपी ने जो झूठे आश्वासन दिए थे उसकी जानकारी हम लोग ने वो टाइम पे दिए थे. अभी हम लोग कांग्रेस का प्रचार करने के लिए राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए हर घर में हम लोग जाने वाले हैं, जिसमें न्याय योजना जो है, न्याय योजना को लेके राहुल गांधी ने जो हर एक वर्ग के जो उसके सीनियर है और उसके जानकार है उनको बिठा के न्याय योजना कैसे इम्प्लीमेंट करना है देश में, वो हर एक घर के कुटुंब में जो परिवार का एक हिस्सा है जिसमें पूरे देश के अंदर 5 करोड़ परिवार को ये न्याय योजना का लाभ मिलने वाला है. तो मेरा कर्तव्य है नई मुंबई युवक कांग्रेस का अध्यक्ष करके नई मुंबई के अंदर जो बीपीएल धारक के जो परिवार है उनको उनके घर तक जाना और हर साल उनको 72,000 रुपये और महीने का सालाना 72,000 और महीने का 6,000 उनको कैसे मिल सकता है वो कांग्रेस देने वाली है, ये बताने के लिए हम लोग चलो घर घर अभियान करने वाले हैं. जनता को मैं यही कहूँगा कि एक भूल कमल का फूल, 2014 में आपने जो भूल किया है, जीएसटी की मार पड़ी है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, नोटबंदी के वजह से बहुत सारे मेरे लोगों का वहाँ पे लाइन में खड़े रह के उनका जान गया है, ऐसे लोगों को सत्ता में बिठा के जो गलती की है तो वापस वो गलती ना हो इसके लिए कांग्रेस की सरकार लाओ, राहुल जी को पीएम बनाने के लिए सब लोग वोटिंग करो. और कांग्रेस का जहाँ जहाँ पे भी उम्मीदवार होगा, कांग्रेस आघाड़ी का जहाँ जहाँ पे भी उम्मीदवार होगा उनको जिताने के लिए सब लोग कांग्रेस को वोट करो, यही संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ. देखो जहाँ तक के जो हमारी सभी यूथ कांग्रेस हो या एनएसयूआई हो उनकी पहचान ही राहुल जी ने बना के दी है, तो हम लोग ने यही सोच रखा है कि राहुल जी को पीएम बनाने के लिए किसी का मान सम्मान की जरूरत है नहीं, राहुल जी के लिए काम करना है, राहुल जी को पीएम बनाना है, तो यही उद्देश्य हमारा रहेगा. मान सम्मान ये इलेक्शन के बाद में देख लेंगे, लेकिन आज दौर है 15 दिन अभी बाकी है, इलेक्शन के लिए 15 दिन बाकी है, तो यही सोच लेके चलेंगे कि राहुल जी को पीएम बनाने के लिए हर एक घर में हर एक व्यक्ति के पास पहुंचकर राहुल जी को वोट करने के लिए हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करने वाले. नहीं, आप मेरी बात आपने सही तरीके से सुनी नहीं शायद. मैंने आपको ये नहीं कहा कि कोई भी इकोनॉमिस्ट इसका जवाब नहीं दे सकता. कोई भी इकोनॉमिस्ट आपको 1, 2, 3, 4 स्टेप ऐसे नहीं बता सकता कि जैसे चाय बनाने की एक प्रक्रिया होती कि आप पहले ये करो फिर वो करो. ऐसे अगर आप जवाब चाहो कि सीधा सीधा तो कैसे पैसा आएगा, मैं आपको सीधा बोलूँ कि इस फंड से इतना निकाला जाएगा, वो मैं नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता. जब सरकार में आएंगे तब समझ में आएगा कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, हम कौन कौन सी योजनाएं करने चाह रहे हैं, पिछली बार कौन सी योजनाएं रही, कौन सी सफल रही, कौन सी असफल रही, ये सारा डिटर्मिनेशन होगा, उसके बाद आपको एक जवाब मिल सकता है. डेफिसिट स्पेंडिंग अगर मैं आपको समझाने आऊँ तो मेरे को डेफिसिट स्पेंडिंग के कॉन्सेप्ट से शुरू करना पड़ेगा, फिर आपको मैं पूरा समझाऊँ. और आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव आंसर जो चाह रहे थे यहाँ पे कार्यकर्ता जो हमारे थे, वो ऑब्जेक्टिव आंसर देना आज के समय में किसी के लिए पॉसिबल नहीं. सब्जेक्टिव बहुत तरीके हो सकते हैं, पर आपको वही मैं बता रहा हूँ ना कि आप कोई भी योजना जब चालू होती है, जैसे आयुष्मान, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे दिनों की बात नहीं करें, आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए, मैनिफेस्टो में इंडिकेटिव बहुत तरीके दिए गए हैं जिससे उसको कारगर साबित किया जा सकता है. पर हाँ, जो आपका सीधा सवाल है पैसे कहाँ से आएंगे, किसी भी योजना के लिए अगर आप पहला सवाल पूछ लो कि पैसे कहाँ से आएंगे, आपको तुरंत आपात से कोई जवाब नहीं देगा. सरकार में आने के बाद इसका सबसे पहले पायलट होने वाला है, शायद आपको ये पता होगा, सबसे पहले इसका पायलट होने वाला है ये कहा गया. तो वो सब चीज़ें हैं इसमें, एक योजना है जो आगे हम रोल डाउन करने वाले हैं, इसको पायलट से चालू करेंगे.
तो जब हम इसको चालू करेंगे, तब जब ये योजना पूरी बनकर तैयार होगी सरकार में आने, तब हम इसको चालू करेंगे। दूसरी बात यह सवाल भाजपा खड़ा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लोगों को मूल मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। भाजपा लोगों को मूल मुद्दों से भटका रही है, इसका मुझे आपको साक्षी देने की कोई जरूरत नहीं। उन कई तरीके जो ईएनकेएम प्रकरण भाजपा ये करने की कोशिश कर रही है, उसमें से ये एक तरीका है सब लोगों को गुमराह करने का कि पैसे कहाँ से आए। पैसा बहुत है हमारे देश में, ये योजना आराम से कारगर साबित हो सकती है। आज का समय वो है कि ये वही आदमी है, ये वही सरकार है जो उन लोगों के नाम भी जारी करने को तैयार। ना काला धन आया ना 15 लाख आया, आपने वो भी वेरीफाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि इतना करेंगे तो 15 लाख आ जाएगा, आप लोगों ने मान लिया। आपने क्या, आप एज अ जर्नलिस्ट आपने वेरीफाई किया कि कितना पैसा जमा है, उसमें से कितनी पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए तो 15 लाख होगा कि नहीं होगा? ये सर हम लोग की योजना जो 72,000 योजना, जो 72,000 हम लोग हर सालाना जो देने वाले, उसमें हम लोग जो एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो खर्चा अभी का सरकार जो कर रही है वो बचा के हम लोग लोगों को महीने का 6,000 देने की कोशिश करेंगे। जो फालतू खर्चा जो ये बीजेपी सरकार कर रही है वो बचा के हम लोग लोगों को 6,000 महीना और 72,000 सालाना देने की कोशिश हमारी रहेगी। वीडियो एनालिस्ट सुमित रेनो के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट। नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई पनवेल उरण और लोनावला की ताजा तरीन खबरें।